Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class. I am here again with another task of science. So let's start our work with the name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi zidni ilma. Well students, last video mein maine aapko question number 1 ka answer note down karwaya tha aur uske baad aap logon ko question number 2 science ki workbook page number 9 se note down karne ke liye diya tha. आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नोट डाउन करवाऊंगी. सो ओपन योर नीट नोटबुक ऑफ साइंस. वेल स्टूडेंट, आप लोग वो पेज ओपन कर लीजिए जहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट आंसर नंबर 2. उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन पर जॉइंट्स की हेडिंग देनी है. जॉइंट्स की हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आप लोगों ने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है. नेक्स्ट लाइन पर आप लिखोगे अ प्लेस इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. आपकी बॉडी में ऐसी जगह जहां पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हों उस जगह को जॉइंट्स कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन पर आप लोगों ने लिखना है टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ जॉइंट्स. उसके बाद फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच इज प्रेजेंट इन अवर शोल्डर एंड इन अवर हिप. नेक्स्ट वन इज हिंज जॉइंट विच इज प्रेजेंट इन अवर एल्बो एंड नी. नेक्स्ट लाइन पर आप लोगों ने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है. फॉर थ्रोइंग अ बॉल बोथ जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट आर यूज्ड. एग्जाम्पल में आपके पास है जब आप बॉल थ्रो करते हो तो आपका होल आर्म यूज होता है जिसमें आपका शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों यूज होते हैं. शोल्डर जॉइंट आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है और जबकि आपका जो एल्बो जॉइंट है वो आपके हिंज जॉइंट में आता है. इस तरह से बॉल थ्रो करने में आपका आपके जो दोनों जॉइंट्स हैं वो यूज होते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ अगेन ओपन योर वर्कबुक ऑफ साइंस पेज नंबर 9. वेल स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3. डिफ्रेंशिएट बिटवीन वोलेंट्री एंड इनवोलेंट्री मसल्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच. आपने बताना है कि वोलेंट्री और इनवोलेंट्री मसल में क्या डिफरेंस है और उसके बाद आपने उनकी एग्जांपल भी बतानी है. सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नोट डाउन करवाऊंगी. आज आप लोगों का काम इतना ही है. आपने नीट एंड क्लीन अपना जो काम है वो नोटबुक्स पर नोट डाउन करना है. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.